दोस्तों, इतिहास हमेशा से ही काफ़ी दिलचस्प और रहस्यमय रहा है और उतनी ही उस समय में बनाई हुई चीज़ें भी, जिसका हमें आज कई सालों बाद पता चल रहा है। काफ़ी सारी देशों ने पिछले 100-200 सालों में काफ़ी तरक्की की है, लेकिन आज भी हम जब पीछे इतिहास देखते हैं तो चौंक जाते हैं कि उस समय के लोगों ने बिना टेक्नोलॉजी के कई सारे अद्भुत चीज़ें कैसे बनाई थी। ऐसी ही कई बातें तो आज भी एक रहस्य बनी है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही रहस्यमय चीजें और जगह दिखाएंगे जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लाइट बल्ब का आविष्कार हमारे जमाने में हुआ है और उससे पहले शायद ही किसी ने ऐसी लाइट या बल्ब के बारे में सोचा होगा, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रिसर्च और एनालिसिस करने पर इजिप्ट के कई पुराने गुफाओं में और पिरामिड्स के दीवारों पर ऐसे डिजाइन देखे गए हैं जो एक बड़े लाइट बल्ब की तरह दिखाई देते हैं, जबकि उस समय ये मुमकिन ही नहीं था, या फिर हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि ये मुमकिन नहीं था। थ्योरीज ये भी कहती है कि इजिप्ट में जो पिरामिड्स हैं वही असल में इन लाइट बल्ब के इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का काम किया करते थे और फिर इसी इलेक्ट्रिसिटी को जमीन के जरिए प्राचीन इजिप्ट के शहरों में भेजा जाता था, लेकिन दावे के साथ इस बात को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन प्राचीन इजिप्ट के दीवारों पर बनाई गई वो बल्ब की तस्वीरें किसी सच्चाई से कम नहीं है। इस थ्योरी से रिलेट करते हुए उसका नाम डेंडरा लाइट भी रखा गया। आज के समय में हम एक रेफ्रिजरेटर में खाना रखते हैं जिससे वो खराब नहीं होता, लेकिन जब ये नहीं था तब लोग क्या करते थे और किस तरह से चीजें खराब होने से बचाते थे। उस समय के लोग भी आज के रेफ्रिजरेटर की तरह ही काम करने वाले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया करते थे। असल में ये एक डोम या गुंबज की तरह बनाए गए एक स्ट्रक्चर थे जो अंदर से पूरे खोखले हुआ करते थे। कूलिंग के लिए इनके अंदर पानी भरा जाता था जो अंदर के स्ट्रक्चर से कुछ ही देर में ठंडा होकर बर्फ बन जाता था। उसके बाद उस ड्रोम में जो भी चीज रखी जाती थी वो खराब होने से बच जाती थी। पर्सियन में इन्हें याकचाल भी कहा जाता है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है आइस बेड, जो एक फ्रिज के तरह ही काम करता है। आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसर्च कर बताया कि ये आइस बेड करीब 2500 साल पुराने हैं, जो कमाल की इंजीनियरिंग की मिसाल है। प्राचीन जीवों में हमें कई ऐसे जीवों का उल्लेख मिलता है जिसका ऊपर का हिस्सा इंसान का होता था और नीचे का हिस्सा घोड़े का। आपने इनके बारे में कई मूवीज में भी सुना होगा या देखा होगा। इन्हें सेंटोर भी कहा जाता था। कुछ लोग कहते हैं कि धरती पर कभी सेंटोर मौजूद हुआ करते थे, वहीं कुछ लोग उन्हें काल्पनिक मानते हैं, लेकिन सच्चाई तो किसी को नहीं पता, क्योंकि हमारी धरती पर हजारों साल पहले कौन रहा करता था ये तो किसी को भी नहीं पता। वहीं खुदाई के दौरान एक ऐसा कंकाल मिला है जिसकी आधी हड्डियां इंसान की है और आधी घोड़े की। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के अंत में एक साइंटिफिक आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशन के दौरान जब जमीन में खुदाई की गई तो उनके हाथ में एक ऐसी चीज लगी जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था, और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि कई सारे इंसानी कंकाल थे। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये थी कि जितने भी कंकाल मिले उनमें से सबकी लंबाई बहुत ही ज्यादा थी, और सिर्फ लंबाई ही नहीं बल्कि उनका पूरा का पूरा शरीर भी एक विशाल दानव के जैसा था, जिसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। हालांकि ये फिर भी ठीक है, लेकिन रिसर्चर का दिमाग तब घूमा जब उनमें से कुछ के सर पर हॉर्न यानी सिंह बने हुए थे। हालांकि वैज्ञानिकों ने इनके सिर के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, आखिर इन सिंह के पीछे का क्या राज है, लेकिन इस बारे में रिसर्च करते करते वैज्ञानिकों के बाल सफेद हो गए, पर अभी तक उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। दोस्तों, अगर हम दुनिया के सबसे पहले मोबाइल फोन की बात करें तो उसे 3 अप्रैल 1973 में इन्वेंट किया गया, पर अगर हम आपको ये कहें कि आर्कियोलॉजिस्ट को 19वीं शताब्दी का नहीं बल्कि आज से करीब 2800 साल पुराना मोबाइल फोन मिला है तो आप क्या कहेंगे? अब इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सच है। असल में ऑस्ट्रेलिया के एक टाउन में जब खुदाई हो रही थी तभी अचानक से ये डिवाइस आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ लगा, जो देखने में बिल्कुल नोकिया मोबाइल फोन जैसा है। पर जब इस डिवाइस पर रिसर्च की गई तो ये पता चला कि आज से 2800 साल से भी ये पुराना है, और इसके आसपास जो ऑयल कंपोनेंट्स मिले उससे ये पता चला कि ये मोबाइल फोन मेसोपोटामिया का है, ना कि ऑस्ट्रेलिया का। अब ये चीज सुनने के बाद हर कोई हैरत में पड़ गया कि जिस मोबाइल फोन को बनाने में हम इंसानों को इतने साल लग गए वो आज से भला हजारों साल पहले कैसे मौजूद हो सकता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।